हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे प्राइस इलास्टिक सप्लाई के क्वेश्चन करने वाले हैं, बेसिक क्वेश्चंस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसकी पूरी फॉर्मूले की बात करती है, वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर देखिए कि फॉर्मूला बना कैसे था। ठीक है, दोनों फॉर्मूले अच्छे समझे थे। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला हमने दोबारा से एक बार देखते हैं, दोबारा से देखो फॉर्मूला हमने ऐसा बनाया था, प्रोपोर्शनेट मेथड का हमने बांध फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला ये निकल के आ रहा था, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी बाई क्यू। इसी फॉर्मूले से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले से। लेकिन आपको पीछे वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, परसेंटेज वाला। मेन फॉर्मूला क्या था, यहीं से हमने निकाला था मेन फॉर्मूला। तो ये था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ये सब हमने समझा था। तो देखो एक फॉर्म एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये सोल्व होता कैसे है। इसका क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि एट प्राइस ऑफ 10 रुपये आपका जो फॉर्म की सप्लाई ऑफ 50 यूनिट कॉमोडिटी है, यानी कि पुराना प्राइस 10 रुपये था, उस समय फर्म जो है 50 यूनिट कमोडिटी बेचती थी, और जब प्राइस 12 रुपये हो गया, जब भी आपका देखो ध्यान समझना मेरी बात, अब जब भी टू लिखा आ गया कि राइजेस टू, तो उसके बाद नया प्राइस होता है, नया 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 चीज होती है, नई प्राइस होगा या नया सप्लाई होगी। और जब भी बाय लिखा आ गया, इसको कहीं पे आप नोट बना के लिख लो चाहे, ताकि कोई दिक्कत ना हो, टू के बाद हमेशा न्यू होता है, और अगर बाय आ गया, प्राइस राइजेस बाय, तो वो चेंज होता है, वो चेंज की बात करता है, तो वो न्यू है ये। फिर फर्म ने सप्लाई को बढ़ा के, देखो टू लिखा, सप्लाई को बढ़ा के 70 यूनिट कर दिया। देखो लो डिमांड में तो उल्टा था, लो डिमांड में क्या था कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती थी, बट लो सप्लाई के कहता है कि देखो प्राइस बढ़ा सप्लाई भी बढ़ गई। वहाँ पर जो ईडी आता था वो हमेशा नेगेटिव आता था, क्योंकि जब एक चीज़ कोई ना कोई बढ़ती थी दूसरी चीज़ घटती थी, बट यहाँ पर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ घटेगी दूसरी भी घटेगी। यहाँ पर जो ES आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप देखो बताता हूँ, अभी सारे जब क्वेश्चन सोल्व करेगा आपको समझ में आएगा कैसे। ठीक है, तो पहले ये करते हैं, देखो पुराना प्राइस कितना दे रखा है, 10 रुपये दे रखा है, और पुराने प्राइस को हमने समझा था डिनोट कैसे करते हैं। तो पुराने प्राइस को देखो हम डिनोट करते हैं इनिशियल प्राइस को पी से करते हैं। तो इनिशियल प्राइस को जो डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे, पी से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पी कितना दे रखा है, 10 रुपये। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करनी है अगर अच्छे नंबर चाहिए आपको, और पुराना डिमांड दे रखी है, सॉरी। ठीक है, और इनिशियल सप्लाई यानी कि इनिशियल क्वांटिटी को डिनोट कैसे करते हैं, क्यू से करते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। तो ये लिखेंगे क्यू 50 यूनिट्स दे रखा है। फिर प्राइस आपका बढ़ के 12 रुपये हो गए, नया प्राइस है ये, नया प्राइस है। तो नया प्राइस को डिनोट कैसे करते हैं, देखो मैंने पीछे लिखा हुआ पहले से P1, P1 से करते हैं। तो P1 आपका हो जाएगा 12 रुपये, यहां लिखेंगे 12 रुपीज पर यूनिट। प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है ऐसे। फिर फर्म ने सप्लाई को बढ़ा के 70 यूनिट कर दिया, तो नया सप्लाई यानी कि नया क्वांटिटी क्राउड कैसे करते हैं, Q1 से करते हैं। तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे Q1 70 यूनिट्स। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बन के आ रहा था, फॉर्मूला देखो क्या बन के आ रहा था हमारा लास्ट में, ES डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय पी बाई क्यू। तो यहाँ पर फॉर्मूला इसी तरीके से लिखेंगे, ES कैसे निकलता है, ES, अब ध्यान से देखना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। पहले तो देखते हैं कि डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, देखो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। चेंज यानी कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालना ना आपने, जब भी देखो ऊपर हमने ऐसे लिखा हो, देखो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे निकलता है, न्यू क्वांटिटी को पुरानी वाले से माइनस करते हैं। डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटीज। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इसको हमने डेल्टा क्यू बोलते हैं। तो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, नया वाली क्वांटिटी को पुराने वाले से माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, नया वाली क्वांटिटी को तो क्यू वन बोलते हैं, Q1 में से पुरानी को क्या बोलते हैं, Q, तो यहाँ निकल जाएगा। तो Q1 था हमारा 70 यूनिट, Q1 कितना था 70 यूनिट, और पुरानी क्वांटिटी कितनी थी 50, तो इसके वाला डेल्टा Q कितना आ गया, 20 यूनिट्स।
इसी तरीके से मेरे को डेल्टा पी भी नहीं पता है, तो डेल्टा पी कैसे निकलेगा, वही तरीका, नया प्राइस में से पुराना प्राइस मैनेज करते हो। तो नया प्राइस को बोलते हैं पी वन और पुराने प्राइस को बोलते हैं पी। देखो यही तो हमने देखा था ना, चेंज इन प्राइस, नया प्राइस को पुराने वाले से मैनेज करते। तो पी वन हमारे सामने क्वेश्चन में गिवन है 12 रुपये और पुराना प्राइस भी गिवन है 10 रुपये, तो आ गया 2 रुपये पर यूनिट। अब इस फॉर्मूले को पुट करेंगे यहाँ पर, सो हैंस ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आपके सामने आ गया है 20। अब यूनिट्स लगाने की जरूरत नहीं किसी में भी, बार बार यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है ना, पर यूनिट कुछ नहीं लगाना। 20 डिवाइड बाय डेल्टा पी यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय पी, पी कितना है 10 रुपये और क्यू कितना है 50। इसको हमें सोल्व करना है, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा और 2 2 जा, यानी कि 2 आ गया। अब ध्यान से बनना एक चीज़, अब एक चीज़ आपको ध्यान से बननी है, एक इसको नोट बना के लिख लो कहीं से, वहीं पे जहां आपने ईडी में भी चैप्टर पढ़ा था इलास्टिक और डिमांड में पढ़ा था, सेम टू सेम यहां पर चीज़ वो अप्लाई होगी। वहां पर ईडी लिख रहे थे, यहां ईएस आएगा। देखो जब भी ईएस, अगर ईएस 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको बोलते हैं, वहाँ पर ईडी बोल रहे थे ना 1 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ बोलेंगे ईएस, उसको बोलेंगे हाई इलास्टिक सप्लाई या हाईली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, हाईली इलास्टिक सप्लाई। तो यहाँ पर इसका मतलब ईएस अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा चेंज होती है, कि प्राइस बदलेगा, थोड़ा सा भी प्राइस बदलेगा तो सप्लाई बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, उससे कई गुना ज़्यादा चेंज हो जाएगी, उसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई या हाई इलास्टिक सप्लाई भी बोल सकते हो आप। ठीक है, हाई इलास्टिक सप्लाई बोल सकते हो। अगर ई एस 1 से कम आ गया तो इसका मतलब सप्लाई कम चेंज होती है, कि प्राइस बदलेगा लेकिन सप्लाई बहुत कम चेंज होगी उससे भी, तो वहाँ बोलेंगे लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक सप्लाई ज़्यादा चेंज नहीं होती, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा चेंज नहीं होती, कम चेंज होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर लेकिन ई एस 1 ही आ गया तो, 1 ही आ गया तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी का मतलब 1 होता है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। एक और केस भी हो सकता है, 0 आ गया तो, यानी कि 0 आ गया तो उसका सप्लाई चेंज नहीं होती, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं फिर परफेक्टली बोलते हैं, परफेक्टली वर्ड लगाते हैं, परफेक्टली जब बिल्कुल ही चेंज नहीं होते ना तो वर्ड आता है परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक आ गया वर्ड। फिर एक और भी केस होता है, वो भी ध्यान से समझ लो, वो बहुत कम होता है कई बार क्वेश्चन में, तो ई एस कई बार इन्फिनिटी आ जाता है, यानी कि पता ही नहीं कितनी चेंज हो रही है। एक होता है कि 1 से ज़्यादा हो रही है, 1 से कम हो रही है, एक होता है 1 हो रही है, एक होता है 0 हो रही है, एक होता है कि पता ही नहीं है, इन्फिनिटी है, जितना मर्जी चेंज हो रही है, आइडिया नहीं है कुछ, तो उसको बोलते हैं फिर परफेक्टली बिल्कुल इलास्टिक सप्लाई है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी कि इतना ज़्यादा चेंज होती है कि हमें पता ही नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक है, बिल्कुल इलास्टिक सप्लाई है, चेंज ही होती रहती है हमेशा। एक होता है बिल्कुल चेंज नहीं होती, एक होता है चेंज ही होती रहती है, एक होता है एक जितना प्राइस चेंज होता है उतना ही डिमांड सप्लाई चेंज होती है, उसको बोलते हैं ई एस 1 आ गया। एक होता है कि 1 से कम है, इसका मतलब प्राइस चेंज जितना होता है ना उससे कम चेंज होती है सप्लाई, ये 1 से ज़्यादा है तो जितना प्राइस चेंज होगा, देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ई एस 2 आ गया, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना प्राइस चेंज होता है ना उससे दुगनी सप्लाई चेंज होती है, दुगनी। ठीक है, ये है इसका मतलब, दुगना चेंज होती है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एस ई एस इज ग्रेटर देन 1 सप्लाई इज हाईली इलास्टिक, इसका मतलब सप्लाई हाईली इलास्टिक है, समझ गए। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जांपल 7 कह रहा है प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ 5 यूनिट से, देखो बाय आ गया ना, इसका मतलब चेंज है ये, तो यहाँ पर लिखते हैं अब एग्जांपल 7, ये संदीप गर्ग से करा रहा हूँ मैं, ठीक है, संदीप गर्ग बुक से। तो प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ था 5 यूनिट से, यानी कि चेंज है, तो चेंज को डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा पी से डिनोट करते हैं, डेल्टा पी आपका 5 रुपीज़ पर यूनिट है,
चेंज को डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा पी से करते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो प्राइस अगर गिरा है तो सप्लाई भी गिरेगी, पता है ना आपको ये बात, प्राइस गिरा है तो सप्लाई, क्योंकि लो सप्लाई क्या कहता है, जब प्राइस गिरता है तो सप्लाई गिरती है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, तो सप्लाई डिक्रीज 100 यूनिट से 50 यूनिट हुई, 100 से 50 यूनिट हुई, तो इसका मतलब पहले सप्लाई 100 थी, यानी कि पुरानी क्वांटिटी कितनी थी 100, तो पुरानी को डिनोट कैसे करते हैं, क्यू से करते हैं, क्योंकि आपको लिखा हुआ ना कि 100 से 50 होगी, 2 लिख दिया, 2 के बाद मैंने को क्या बताया था, नया, तो नया क्वांटिटी तो इतनी है लेकिन पहले कितनी थी 100, तो पहले वाली को क्या बोलते हैं, क्यू, इनिशियल क्वांटिटी 100 यूनिट्स, और नई कितनी होगी, क्यू 1 50 यूनिट होगी, 2 के बाद लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ उसने। उसके बाद क्या कह रहा है, डिटरमाइन प्राइस इलास्टिसिटी चल रहा है, अगर ओरिजिनल प्राइस आपका 15 पर यूनिट था, तो अगर आपका ओरिजिनल प्राइस 15 पर यूनिट था, ओरिजिनल को डिनोट करते हैं पी से, तो हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले में जो जो चाहिए पहले हमें देख लेते हैं, डेल्टा पी मिल गया, पी भी मिल गया, क्यू भी मिल गया, लेकिन डेल्टा क्यू नहीं पता, तो पहले डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पुरानी नया में से पुरानी माइनस कर देते हैं, क्यू 1 माइनस क्यू, तो क्यू 1 आ गया आपका 50 है और क्यू कितना है 100, और ये आ गया माइनस 50। ध्यान रखना ये जो डेल्टा पी है ये भी माइनस में ही होगा, ये भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब देखिए ये प्राइस गिरा है, गिरा है इसका मतलब क्या है, आपने नए में से जब पुराने को माइनस करोगे, आप यहाँ से देखो डेल्टा पी निकालो, जरा यहाँ से देखो डेल्टा पी कैसे निकलेगा, 15 तो नया पुराना है, तो नया कितना हो गया होगा, 5 रुपये से कम हो गया होगा, डेल्टा पी मतलब नया प्राइस 5 रुपये से कम होगा, इसका 5 रुपये इसमें से कम हो जाएगा, 10 रुपये होगा ना, इसका मतलब कि पहले 15 था, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्राइस 5 रुपये से कम हो गया, तो कम हो गया इसका मतलब क्या, माइनस साइन नहीं आएगा, कम हुआ है ना, बड़ा थोड़ी है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर देखो पी वन कैसे निकलता है, आपको पता है पहले डेल्टा पी कैसे निकलता था, पी वन में से पी माइनस करते हैं, लेकिन अगर मैं पी वन निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले में डेल्टा पी को पी को उधर ले जाना पड़ेगा, प्लस पी तो आ जाएगा, तो डेल्टा पी कितना है 15, तो क्या मैं प्लस 5 करूँगा तब पी वन आएगा, नहीं, प्लस 5 करोगे तो इसको मतलब 20 रुपये हो गया प्राइस, यानी कि नया प्राइस बढ़ गया, माइनस 5 करना पड़ेगा ना, यानी कि डेल्टा पी क्या लेना पड़ेगा मुझे, माइनस 5, यानी कि पी तो आपको 15 है लेकिन डेल्टा पी माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस गिरा है इस बार, तो ये माइनस में आएगा, जब भी प्राइस क्योंकि माइनस में आएगा, गिरा है, और ये भी देखो इसलिए माइनस में आ रहा है, क्योंकि जब प्राइस गिरा तो सप्लाई भी गिरती है। अब देखो फॉर्मूले में क्या होगा, ES इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, तो डेल्टा क्यू आपके सामने माइनस 50 है और डेल्टा पी भी माइनस में आएगा, प्लस ना लिख देना, क्योंकि प्लस इसका मतलब, अगर आपने प्लस लिख दिया इसका मतलब 15 से 5 रुपये बढ़ गया है, तो 20 रुपये थोड़ी हो गया प्राइस, उसमें लिखा है कम हुआ है, कम हुआ है तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा ना पुराने वाले में, तो माइनस में आएगा, तो ध्यान रखना, और पी आपके सामने 15 है और क्यू आपके सामने कितना है 100 है, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 0 से 0 कैंसिल, यह आ जाएगा आपका 5 3 जा 15 अपॉन 10 1.5 आएगा, जो मैं आपको बता रहा था कि ES हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, देखो इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, पिछला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें प्राइस बढ़ रहा था, सप्लाई भी बढ़ रही थी, तब तो देखो डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव था, डेल्टा पी भी पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर देखो कम हुआ, तो जब एक कम हुआ, डेल्टा पी कम हुआ, तो क्वांटिटी भी कम होगी, इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोबारा पॉजिटिव आ गया, तो ES हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बट जो हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है हमेशा, एक चीज़ माइनस में आती थी हमेशा और एक चीज़ प्लस में आती थी हमेशा, एक दिन के बाद हमेशा कह रहा था मैं कि हमेशा उसमें ईडी माइनस में ही आता था, क्योंकि जब एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ घटेगी, ठीक है, उसमें एक ना एक चीज़ माइनस में आती थी हमेशा, लेकिन यहाँ पर अगर एक माइनस में आएगा दूसरा भी माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसके पीछे की रीज़न होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप है,
बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, सब क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर ई एस क्या आ गया, वन से ज़्यादा आ गया, तो यहाँ लिखेंगे एस ई एस इज ग्रेटर देन वन, सो सप्लाई इज हाईली इलास्टिक। जब ई एस ज़्यादा आ गया इसका मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। क्लियर हो गया? देखो आपकी बुक में वही लिखा हुआ है, ES हमेशा पॉजिटिव आता है बिकॉज डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के बीच में, यानी कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, और अगर प्राइस घटा तो देखो ध्यान से आपने देखा सप्लाई भी घटी, चलो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इसके थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।